सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के बीच चल रही बैठक खत्म हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आगामी बोर्ड परीक्षाएं होगा या नहीं, इसको लेकर के बड़ा फैसला ले लिया गया है। 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, 12वीं की परीक्षा स्थगित हो गई है। सीबीएसई ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि क्लास 12th की परीक्षा जो 4 मई को होने वाली थी वो पोस्टपोन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सिचुएशन का रिव्यू करने के बाद 1 जून को सिचुएशन का बोर्ड रिव्यू करेगा, उसके बाद बोर्ड परीक्षा की डेट रिलीज करेगा। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा की डेट 15 दिन पहले वो आपको बता दी जाएंगी। तो क्लास 12th के लिए ये न्यूज थी। अपने प्रेस रिलीज में सीबीएसई ने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए कहा कि क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। बोर्ड के द्वारा रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, जो है इट मींस बोर्ड प्रिपेयर करेगा क्लास 10th का रिजल्ट। बोर्ड ने कहा कि अगर कोई कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं होता है बोर्ड के द्वारा प्रिपेयर किए गए रिजल्ट के द्वारा, तो वो फिर से बोर्ड एग्जाम में बैठ सकता है। सिचुएशन अनुकूल होने पे उसको ऐसी अनुमति दी जाएगी। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। बायोपॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू।